Bismillah Rahmanir Rahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khaled Mahmoud from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number six point one of unit number six. Unit number six is work and energy. Let us see the statement of example number six point one. A girl carries a 10 kg bag upstairs. अप कि एक लड़की है उसने 10 किलोग्राम का एक बैग है वो सीढ़ियों से ऊपर लेके गई है उसको To a height of 18 steps. और सीढ़ियों के 18 स्टेप थे जो उसने ऊपर उस बैग को लेके गई है 18 स्टेप Each 20 सेंटीमीटर हाई और हर स्टेप जो है वो 20 सेंटीमीटर हाई था उसकी हाइट जो है हर स्टेप की वो 20 सेंटीमीटर थी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन टू कैरी द बैग तो हमने ये बताना है कि वो जो बैग लेके गई है दस के जी का और अट्ठारह स्टेप्स उसने ऊपर गई है हर स्टेप जो है ट्वेंटी सेंटीमीटर हाइट का है तो उस लड़की ने कितना काम किया वर्क कितना किया उसने तो ये हमारा टास्क है करते हैं इसको सॉल्व करते हैं मास ऑफ द बैग एम टेन के जी हमें दिया गया है वेट ऑफ द बैग डब्ल्यू रखेंगे इसको डब्ल्यू कितना होता है एम जी होता है एम की वैल्यू कितनी है टेन के जी है मास और जी की वैल्यू कितनी है हमें कहा गया टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू ले लें जी की तो ये टेन के जी इंटू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेन इंटू टेन हंड्रेड हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन होता है तो ये हंड्रेड न्यूटन वेट बन जाएगा उस बैग का यानी इसका मतलब ये कि हंड्रेड न्यूटन वेट जो है उसको उठा के तो सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर चढ़नी है तो इसका मतलब ये कि जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कम से कम उस बैग के वेट के बराबर लगानी पड़ेगी तो इसलिए अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल इज इक्वल टू एफ वो किसके बराबर होगी वो डब्ल्यू के बराबर होगी तो कितना है वो वेट वो हंड्रड न्यूटन है तो इसलिए हंड्रेड न्यूटन फोर्स उस लड़की ने लगाई है उसके ऊपर हाइट ऑफ ईच स्टेप जो है वो 18 सेंटीमीटर है इसके मीटर बनाएंगे तो 100 पे तकसीम करना पड़ेगा ये 0.18 मीटर बन जाएंगी और कितनी स्टेप्स हैं ट्वेंटी स्टेप्स हैं तो टोटल हाइट कितनी निकल आएगी ट्वेंटी को जीरो पॉइंट वन एट मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट निकल आएगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल एच रखेंगे इसको यानी टोटल हाइट जो है ये ट्वेंटी इंटू ज़ीरो पॉइंट वन एट सेंटीमीटर ट्वेंटी क्या है नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और हाइट एक स्टेप की है वो ज़ीरो पॉइंट वन एट सेंटीमीटर है ज़ीरो पॉइंट वन एट मीटर सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं तो एक स्टेप की हाइट जो है ज़ीरो पॉइंट वन एट मीटर है और इसको जब हमने ट्वेंटी से मल्टीप्लाई किया तो ये थ्री पॉइंट सिक्स मीटर बन गई तो टोटल हाइट जो है वो थ्री पॉइंट सिक्स मीटर बनी तो इतनी हाइट तक वो लड़की जो है उस बैग को ले कर गई है और जो फोर्स लगाई है उसने वो हंड्रेड न्यूटन है तो हमें यह मालूम है वर्क डन के लिए फार्मूला है हमारे पास वी नो दैट वर्क डन इज़ डब्ल्यू इज एक टू एफ जरब एच यानी फोर्स कितनी लगाई है और हाइट कितनी लेके गई है वो तो फोर्स कितनी थी 100 न्यूटन थी और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आप डायरेक्शन में वो 3.6 मीटर तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 3.6 से मल्टीप्लाई होकर थ्री सिक्सटी बन जाएगा और न्यूटन मीटर यूनिट आ जाएगा हमारे पास और न्यूटन मीटर क्या होता है ये जाऊल होता है और वर्क का यूनिट जाउल होता है तो इसलिए वर्क इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी जाउल आ गया दस द वर्क डन इज थ्री सिक्सटी जाऊल तो उस लड़की ने वो बैग जो है सीढ़ियाँ 20 स्टेप ऊपर लेके गई है तो जो वर्क किया है वो 360 सिक्सटी जाउल बनता है तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी ख़ुद भी देखें दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि के एम सी एच फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज शाद रहें आबाद रहें